बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैटी फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफिया से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआ से ठीक हैं। हमारी दुआएं आप जा रहे हैं हंसते मुस्कुराते रहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मोहम्मद मुजम्मिल को देखें, ये तो छोटी के पीछे ही पड़ गया, मारता है उसको। ये देखे, ये देखे, ये देखे, उसको चूटियाँ काटता है, उसके कपड़े उठा उठा के फेंकता है। फेंकते हो? नहीं, आप ही को कुछ नहीं बोलना, छोटी बहन है, कुछ नहीं बोलना, छोटी बहन को कुछ नहीं बोला। ये देखो कैसे छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल कमजोर सी है छोटी। ओए ओए ओए, नहीं नहीं नहीं, आपकी आपा है ना, छोटी सी आपा है ना। नहीं, छोटी सी आपा को नहीं मारते। नहीं, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, नहीं आपा को नहीं मारते, आपा को नहीं मारते। ये छोटी सी आपा है, छोटी सी आपा है, छोटी सी आपा है, आपा है ना आपकी आपा। आपा को बुलाओ, बुलाओ आपा। नहीं नहीं, आपा मोहम्मद मुजम्मिल बुलाओ, आपा आपा। ये नहीं उठाओ, ये नहीं उठाओ आपा। ये आपकी आप ही है ना छोटी सी, छोटी सी आप ही है ना, बहुत शरारती हो गया। छोटी को हाथ नहीं लगाने दो तो कोई ना कोई नुकसान करता है, ये कुछ ना कुछ फेंकता रहता है। हाँ जी, शरारती हो गया, अभी मशीन का बटन खींच रहा है। नहीं खींचो मोहम्मद मुजम्मिल, नहीं खींचो मोहम्मद मुजम्मिल, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आओ बाहर चले। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर, मैं जा रही हूँ, मैं आपा को लेके जा रही हूँ, आपा को लेके जा रही हूँ, बस आपा को लेके जा रही हूँ। ये देखो सब, आपा को जूते पहनाओ, आपा को जूते पहनाओ, मैं इसको ले जाऊँ। क्या ढटा रहे होते, छोटी आराम से सो रही है। मोहम्मद मुजम्मिल चेंज कर रहे, चेंज कर रहे हो, उबासियां आ रही हैं, सुबह से उठा हुआ है ना, इसको नींद आई भी अलग है। ये बहन के साथ बहुत ही जेलेस हो रहा है, बहुत ही जेलेस हो रहा है, उसकी चीजें उठा उठा के फेंकता है और मारता है। वो हंस रही है नींद में, जैसे बच्चा हंसता है ये हंसती है। गधे घोड़े बेच के अभी तो सो रही है ये, रात को 3-4 मरतबा उठी है। बचपन कितना अच्छा होता है, जब इंसान बड़ा हो जाता है अपने घर वाला तो बहुत सारी जिम्मेदारियां सर पे आ जाती हैं। तो मुझे तो बचपन ही बहुत, बस बचपन अच्छा लगता है। बच्चे कितने बादशाह होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई चीज़ की फिक्र नहीं होती, जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं कि कमाएंगे तब घर चलेगा, नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा, गुजारा नहीं होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको कोई फिक्र नहीं होती, गधे घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, बस कहीं से भी करके बच्चों को खिलाना है, बस अल्लाह पाक हलाल तैयब रोज़ी करने की हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए, बस अपने बच्चों को हलाल तैयब रिज़्क बंदा खिलाए।
और आप सबके हलाल तैयब रिस्क में अल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत डाले, आमीन। अच्छा जी, काम पे जा रही हूँ, अभी काम पे पहुँचने वाली हूँ। रात को यहाँ से लेट गई थी मैं, 9:30 घर पहुँची हूँ, तो अभी थोड़ा लेट आई हूँ। आज हफ्ता है ना, कल फिर छुट्टी होगी, हफ्ते वाले दिन फिर देर से उठते हैं, तो इसीलिए मैं घर से लेट निकली हूँ अभी। पहुँचने वाली जी, मोमल बना रही है ऑमलेट। मुझे सालन अभी नहीं बनाया, ना ही टाइम है बनाने का। मैं आज बहुत थक गई हूँ आज। इतने ज़्यादा कपड़े भी धोए और दूसरा काम भी साथ साथ करती रही हूँ, साथ साथ कपड़े भी धोती रही हूँ मशीन में। तो अल्लाह का शुक्र है आज जल्दी फारिग हो गई थी, जल्दी आ गई, लेकिन फुर्सत नहीं थी सालन बनाने की। ये मुजम्मिल की शरारतें कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत तंग करने लग गए। मिर्चें थोड़ी हल्की लग रही हैं, क्योंकि वो हरी मिर्चें भी काट के डाली है ना, तो इस वजह से थोड़ा सफेद लग रहा है। बस बस बस, ज्यादा ना हो जाए फिर। करीम कह रहा है मुझे चीनी वाले 2 पराठे बना के दो, उसके लिए चीनी वाले 2 पराठे बनाने हैं। और ये जो है इसके साथ खाएंगे, और थोड़ा सा कल वाला सालन पड़ा है तुरई और चने की दाल का, वो भी साथ गरम करेंगे, तो अभी चल जाएगा गुजारा। क्योंकि छोटा बेटा मेरा अपने चाचा के पास गया हुआ है, आज उसकी आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो वो आज चाचा के पास है, रात वहीं पे रहेगा हॉस्पिटल में। अच्छा, हम 5 बंदे हैं, तो हमारा तो गुजारा चल जाएगा। कल फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनाएंगे। ये तुरई और चने का दाल का सालन था जो कल मैंने बनाया था, बहुत ही मज़े का बना है। जहाँ काम करती हूँ ना, वो बनाते, मैंने कभी नहीं बनाया तुरई और चने की दाल। वो बनाते हैं ना, तो मैंने 2-3 मरतबा खाया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं भी बना के देखूँ, तो माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है तुरई और चने की दाल। चने की दाल को अलग-अलग उबाल लेते हैं, और जैसे हम आलू का सालन बनाते हैं इस तरह से मसाला तैयार करके, तुरई कटी हुई हो, जब हम तुरई छीलते हैं ना, छील के तो उसको लंबा लंबा 4 हिस्सों में काट के, तो बारीक बारीक, जैसे ऑमलेट के लिए हम प्याज काटते हैं, इस तरह से इसको छोटा छोटा कुतरना पड़ता है। अच्छी तरह से ऐसे कुतर कर और मसाला तैयार हो जाता है, तो उसमें हम डाल देते हैं तुरई। तुरई को भूनते रहो, बहुत ही मज़ेदार सी गल जाती है और भुन भी जाती है, तो उबली हुई दाल हम उसमें ऐड कर देते हैं और उसको थोड़ा सा भून लेते हैं, बहुत ही मज़े की बन जाती है। और करीम का पराठा भी हो गया माशाल्लाह से तैयार। करीम को चीनी का पराठा बहुत पसंद है। और ये है थोड़ा सा निहारी का सालन है, ये भी गर्म करूँगी माशाल्लाह से, अभी का हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, करीम के लिए चीनी के पराठे हो गए तैयार माशाल्लाह से, क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बने हैं। मुझसे ऐसे नहीं बनते, लेकिन मोमल जब बनाती है ना, तो बहुत ही मज़ेदार बनाती है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से हैं और मज़ेदार है। करीम खाएं, मोमल के हाथ के इसको बहुत पसंद है।